देखिए इस वक्त हजारीबाग सदर विधायक मनीष जायसवाल भी यहाँ पर मौजूद है, बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर घेरते हुए नजर आ रहे हैं। मनीष जी, दो विषय को लेकर आप लोग घेरते हुए नजर आ रहे हैं, एक ईडी और दूसरा धीरज प्रसाद साहू। इसको भी धीरज प्रसाद साहू ने प्रतिक्रिया दी। ईडी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि अगर वो गलत है तो उन्हें जेल में बंद कर दिया जाए, इस तरीके से डराया ना जाए। न्याय का एक प्रक्रिया होता है, पहले नोटिस दिया जाता है, बुलाया जाता है, स्टेटमेंट लिया जाता है, गिरफ्तारी उसके बाद होती है। अब उनको 6 समन मिला, मैं उल्टा उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि अगर आप बेदाग हैं तो आपको जाकर के वहां पर डिपोज करना चाहिए, आपको उनको वहां जाकर के बताना चाहिए कि हाँ भाई हम निर्दोष हैं। फिर ईडी अपना आगे का कार्रवाई करेगी, अगर दोषी होंगे तो जेल जाएंगे, नहीं दोषी होंगे तो छूट के आएंगे। ये नहीं जाना, कानून से बचना। कल को अगर कोई केस होता है उसमें बोले कि भाई हम तो निर्दोष हैं, हम तो ये नहीं करना चाहते, जबकि उनके अपने प्रतिनिधि फंसे हुए हैं इस राज्य में, कोयला बालू सब चीज का तस्करी चरम पर है, जमीन का घोटाला आपने देखा होगा रांची में, कैसे पुलिस ने खड़ा होकर के जमीन को जो है कब्जा करने का काम किया। तो उनको अगर वो शुद्ध हैं तो मेरा मानना है कि उनको कोर्ट ईडी के कार्यालय जा करके डिपोज करना चाहिए। नहीं जाने का मतलब है कि दाल में कुछ काला है। सोरेन ने एक सवाल खड़ा किया है, उनका कहना है कि कई लोग हजार हजार करोड़ लेकर विदेश भाग गए लेकिन भारत सरकार इसमें अंकुश नहीं लगा रही है और यहाँ के मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रही है। सबसे बड़ा विषय है ना कि जब लोन दिया कब गया था, जब वो लोग भागे, सारा का सारा लोन यूपीए के काल में दिया गया था और यूपीए ने गंभीरता से पहले तो लोन दिया नहीं और बाद में अगर लोन दिया भी तो उसको वसूली करने का काम नहीं किया। आज जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से हम लोगों ने प्रयास किया है कि उन लोग को वापस भी लाएं और बहुत सारे केसेस में, जैसे आप नीरव मोदी के केस में देखिएगा, अन्य लोगों के केसेस में देखिएगा कि हम लोगों ने उनका पैसा जो है बहुत बड़े ये लेवल पर अटैच करने का काम किया है और उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किया है हम लोगों ने। देखिए इस वक्त हमारे साथ मनीष जायसवाल थे, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अगर ईडी की ओर से समन जारी किया जा रहा है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जाना चाहिए। साथ ही साथ दूसरी ओर जिस तरीके से चंपई सोरेन ने एक सवाल खड़े किया है, उनका कहना है कि हजार हजार करोड़ रुपए लेकर लोग विदेश भाग रहे हैं लेकिन भारत सरकार इसमें अंकुश नहीं लगा रही है, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर सवाल क्यों खड़ा किया जा रहा है। देखिए भानु प्रताप शाही भी इस वक्त मौजूद है, बातचीत हम उनसे करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से हंगामेदार जो आज का सत्र है वो होने वाला है, क्योंकि कई विषयों को लेकर यहाँ पर घेरा जा रहा है। चलिए भानु प्रताप शाही से हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल आप सीधी तस्वीर देख सकते हैं कि अब एक एक करके तमाम जो विधायक हैं वो अंदर गए हैं, अब थोड़ी देर के बाद सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर, फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। फॉर योर ब्राइट फ्यूचर विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। राजधानी रांची में वाइल्ड वादी लेकर आया है रांची फ्लावर पार्क, जहां आकर्षक फूल मोह लेंगे आपका दिल। रात में आकर्षक लाइट से नजारा होगा रंगीन। परिवार के साथ उठाइए ट्रैम्पोलिन पार्क का लुत्फ। की जगह पर मिलेगा एम्यूजमेंट पार्क, जिप लाइन, बर्ड पार्क, पिकनिक और कुल्हड़ चाय का भी मजा। मंडे टू फ्राइडे एंट्री फीस सिर्फ 200 रूपए और सैटरडे और हॉलीडेज में महज 300 रूपए में भरपूर मनोरंजन। तो आइए वाइल्ड वादी।